पहिला असे आणि पहिल्याच वर्षामध्ये काय आयोजन तुम्ही पाहताय, ड्रेस कोड पूर्ण खेळाडूला तुम्ही पाहता, प्रत्येक खेळाडू खेळाडू का ड्रेस कोड म्हणजे एका टीम मध्ये 14 खेळाडू आणि 14 खेळाडूंना ड्रेस कोड आणि ज्या प्रकारे आयोजन केलंय, गणेश जोशी असतील, विशाल जोशी असतील, पूर्ण म्हणजे चांगलं आयोजन, रोहित जोशी ती पाहताय खूप चांगलं आयोजन केलंय या पेठच्या मैदानावरती। तर सामना पाहतोय, दोन दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होत्या, दोन्ही संघ एक एक सामने जिंकलेत। एका बाजूला संघ पाहतोय समेक इलेव्हन बंटी जोशीचा संघ त्याला फाईट करतोय, विशाल जोशी संघ म्हणजेच विशाल इलेव्हन 55-56 हा तुम्ही संघ पाहताय। व्हाईट त्यानंतर ऑन करताय ते गोलंदाज सनी घरातला ऑन केलाय, कारण की अतिरिक्त उचली आणि इंटरनॅशनल नियमानुसार एका ओव्हरमध्ये फक्त एक बाउन्सर तुम्ही करू शकता। त्यानंतर पंचाने ऑन केल्यानंतर जर तुम्ही परत एखादा चेंडू बाउन्सर किंवा अतिरिक्त उचलीचा फेकाल तर पंच तुम्हाला व्हाईट किंवा नो निचे इशारा करतील। स्ट्रायकला बॅट्समन आहेत ते विकास, हा चेंडू मात्र शॉर्ट स्क्वेअरला फील करतोय, थोडासा फंबलिंग जरूर होतोय। दोन्ही संघांचा विचार केला तर एक एक मॅच दोन्ही संघ जिंकलेत मैदानावरती आणि ते मग दोन्ही संघ खेळत असताना पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ दी मॅच ठरलेला हा फलंदाज बंटी जोशी। 4 षटकांची मॅच आहे आणि 4 षटकांमध्ये कितपत धावसंख्या बनवल्या जातील हे देखील पाहण्यासारखं असेल। हवेचा वेग तुम्ही पाहताय आणि त्या हवेचा वेग पूर्णपणे साथ देईल ते फलंदाजांसाठी। सनी करत गोंदाजी करणं कठीण असेल, येथून मात्र हा चेंडू ऑफ साईडला, यस माहिती ही हिट, एक फ्लाईट स्ट्रोक, मनगडी ताकद, टायमिंग खूप चांगलं होतं फटक्यामध्ये, इनसाइड आउटच्या माध्यमातून ज्यावेळेस तुम्ही ऑफ साईडला फटका कन्वर्ट करतास त्यावेळी तुमच्यामध्ये टायमिंग आणि ताकद भरपूर असणं गरजेचं असतं आणि ताकदीचा वापर त्यांना टायमिंग सुरेख झुलवली फटक्यामध्ये आणि 6 धाबा वसूल केले या चेंडूवरती बंटी जोशीनं। खूप चांगला फटका होता ऑफसाईडच्या दिशेमध्ये, इनसाइड आउटच्या माध्यमातून फटका लागवला। या 4-6 धाबा मिळतील या चेंडूवरती आणि टोटल धावसंख्या दफल गावरती 8 धावा। तर चेंडू द्यायचा मित्रांवरती लगेच, चेंडूची पूर्तता करा आणि आमच्या साथी समी तुम्ही पाहताय पनवेल असोसिएशनचे एक उत्कृष्ट स्कोरर प्रीतमजी भोपे आहेत, पेटगावचे आहेत। तुम्ही पाहता सुपुत्र खूप चांगली स्कोरिंग त्याच्या माध्यमातून कित्येक टुर्नामेंटमध्ये पाहताय आणि इथे मात्र आमच्या साथ देत असताना प्रीतमची भोजी त्या भोई भोपी, त्यानंतर आमच्या समेत पनवेल समालोचक असोसिएशनचे सदस्य प्रवीणजी टेंबे आणि आश्रय पटेल देखील आमच्या समेत या समोरच्या चेंडू येतोय। टोटल धावसंख्या दाफल करते 8, षटक क्रमांक पहिल्या मार्गस्थ असताना पहिलं P1 चा षटक हातळतोय हा गोलंदाज सनी घरत मैदानावरती आणि समोर तितक्याच चांगला फलंदाज आहे रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आयकॉन खेळाडू म्हणून त्याची नियुक्ती झाली आहे ते म्हणजे बंटी जोशी। दोन खेळाडू तुम्ही पाहता पेठ संघाचे, एक आरबाज शेख त्यानंतर बंटी जोशी, असे दोन खेळाडू आयकॉन म्हणून रायगड प्रीमियर लीग साठी निवड झाली आहे। खूप चांगला खेळ पेठ संघाने खेळत आहेत आणि कित्येक मैदान गाजवले दोन खेळाडू पेठ संघाच्या माध्यमातून। हा चेंडू पुन्हा त्याच रिजन मध्ये मागच्या चेंडूचा ऍक्शन रिप्ले, मात्र ह्या चेंडूमध्ये थोडस हाईट फॅक्टर जास्त, भिडकावून दिला डीप पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून 7 धावांसाठी हा षटकार। दोन षटकार ठोकल्यानंतर काहीतरी सल्ला मसलत करत असताना ते गोलंदाज सनी घरतला, कारण की समोर तितक्याच चांगला फलंदाज आहे विशाल जोशीच्या वरती, मात्र प्रेशर टेन्शन मात्र विशाल जोशीला आला असेल की बंटी
हेलो 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 तर थोड़ी तांत्रिक अड़चणी बोल आमच आवाज तुम्हारे पोचत नौता तो टोटल धावसंख्या दाफलकावरती है 32 षटक क्रमांक दुसरा स्ट्राइकर बैट्समन सन्मान शेख स्ट्राइकर एंड वरती तो गोलंदाज अनिल पाटिल एक अनुभवी गोलंदाज है चांगला अनुभव दाखला दुसर ओवर मे कारण कि पहले ओवर मे अवघ्या 24 धावा आया होता खूब महागड़ षटक गाता होता सनी घर गोलंदाजान अवघे 24 धावा खर्च के होतर दुसर ओवर मे खूब चांगला कमबैक तुम्हें पाता है अनिल पाटिल कारण कि अनिल पाटिल दुसर ओवर मे फक्त 8 धावा 8 धावा खर्च करीत एक सफलता मिल एक दोन षटक विचार के टोटल धावसंख्या दाफलका वरती है 32 मजे अस्किंग रनरेट तुम्हें पहले सरासरी पाली प्रति षटकामागे तो 16 ची सरासरी राखली जाते 16.00 अभी सरासरी पाहता है अपन प्रति ओवर मे चांगली सरासरी राखली जाते बंटी जोशी जी खूब चांगली बैटिंग पाई है बंटी जोशीन पहले ओवर मे तब्बल 2 षटकार तब्बल 3 षटकार दाखला जाते बंटी जोशीन तर दोन ओवर मध्ये आले तर टोटल धावसंख्या आहे त्या 32 बंटी जोशीचा अद्याप विकेट बाकी आहे खेळपट्टीवर चांगला खेळ दाखवते बंटी जोशी तर पुढची मॅच असेल उमेर 11 आणि त्याला फाइट करेल संदीप स्पोर्ट्स 16-16 या दोनचे कॅप्टन गोंदाजी मार्गावरती येत्या षटक क्रमांक तिसरा छोटू वास्कर हा गोलंदाज बंटी जोशीची विकेट या मॅच मध्ये महत्त्वाची असेल ती विशाल 11 55-56 या टीम साठी मात्र बंटी जोशी थांबण्याचं नाव घेत नाही जीवन भिडकावून देतो स्ट्रेट ऑन दी ग्राउंड वाडीश लॉन्ग अपच्या रोक्यावरून सीमा पार येतोय बंटी जोशीच्या बॅट मध्ये षटकार जोशी यांच्यावरती मात्र पूर्ण ते प्रेशर टेन्शन होतं वाढलं असेल विशाल जोशी यांचं की बंटी जोशीची विकेट आहे मॅच मध्ये कोणत्या प्रकारे मिळवली जाईल हा चेंडू बॅटची कडा शॉर्ट टर्मॅन चांगली फील्ड होते थ्रो पैकी होते ओव्हर थ्रो गरज होती का बॅकअपला खेळाडू नाहीये बॅकअपला खेळाडू येईपर्यंत मी म्हणेन एक धाव कम्प्लीट केली जाते थोडीशी ओव्हर थ्रो तुम्ही पाहताय त्यांना स्ट्राईक देखील चेंज होते स्ट्राईक रोटेट होते स्ट्राईकला बॅट्समन येतात सन्मान टोटल धावसंख्या 39 धावा दाफलकावरती खूप चांगला टोटल उभारण्याचा दिशेने वाटचाल करतायत बंटी जोशी आणि त्यानंतर सन्मान असे दोन फलंदाज मैदानावरती कारण की सलामीचा फलंदाज विकास लवकर पास झालेत विकास दोन चौकार जोर दाखवले होते ऑन साइडला केलेदार शप्पल झाले जागा म्हणाली स्ट्रोक साठी गॅप बपर मोठा आहे आणि आउटफील्ड देखील फास्ट आणि चेंडू लॉंग लेगच्या रिजन मध्ये येतोय हा चौकार बॅट्समन सन्मान शेखच्या बॅटपर्यंत तर हा चौकार येतोय फलंदाजी मार्गावरती पाहताय सन्मानची बॅट बद्ध हा चौकार टोटल धावसंख्या वाऱ्याच्या वेगानं पुढे सरसावत असताना दाफलकावर धावा येतात 43-43 धावा ज्याप्रमाणे वाऱ्याचा वेग वाहतोय त्याप्रमाणे मात्र ही धावसंख्या वाढत असताना 43 धावा दाफलकावरती लागल्यात गोलंदाज मात्र सज्ज होतोय राईट आर्म राऊंड विकेट छोटू वास्कर ऑन साईडला खेळतात पुन्हा एकदा क्षेत्रामध्ये फिल्डर आहेत त्या क्षेत्रामध्ये डीप स्क्वेअर क्रीजला तो असं फंबलिंग जरूर झालंय तोपर्यंत ह्या बॉलवरती एकवडल्या जात आहेत
एकदा बंटी जोशी स्ट्राइक आपले खाते मध्ये ठेवतोय बंटी जोशीच कौतुक करेन या मॅच मध्ये, कारण की बंटी जोशीने तब्बल 4 षटकार ठोकलेत, खूप चांगली बॅटिंग केली आपल्या संघासाठी, ज्याप्रकारे पहिल्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलेला खेळाडू बंटी जोशी, तोच फॉर्म तोच टेम्परमेंट तुम्ही पाहताय। 12 चेंडू मध्ये 34 धावसंख्या उभारल्या होत्या, फुल टॉस आणि बंटी जोशीने फुल टॉस फेकाल, पंचाचा नो बॉलचा इशारा, पाच धावा या बॉल वरती येते, टोटल धावसंख्या तुम्ही पाहते दाफलका वरती 49 धावा दाफलका वरती, दुष्काळामध्ये 13वा महिना, कारण की आधी धावसंख्या खूप मोठी भरपूर बनली होती, मात्र अशा स्थितीत नॉट चेंडू फेकले, त्यानंतर फ्रीचा चेंडू असेल हा छोटू वास्कर, हा चेंडू तुम्ही पाहताय पायावरती आदललाय, तोपर्यंत एक धाव विशाल जोशी यांचा इशारा येते ओव्हर संपन्नाचा, एक चेंडू बाकी आहे, विशाल लक्ष केंद्रित करा, एक चेंडू बाकी आहे आणि या एकेरी धावसंख्येनं ती पाहता समेक 11 ची 50 धावा कंप्लीट होत्या स्कोर बोर्ड वरती, खूप चांगली बॅटिंग बंटी जोशीने केली आहे, त्याला साथ देतो सन्मान शेख ही जोडी मैदानावरती, आणि ज्या प्रकारे बंटी जोशीनं पुण्याने जिम्मा आपल्या कांद्यावरती घेतला, जबरदस्त फटका लोअर फुल टॉस, मदत चेंडूची लाईन लवकर पिकअप केली होती आणि चेंडू पिकावून दिला, वाडिश लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ च्या मधून स्टेट ऑन दी ग्राउंड, हा जे तो षटकार डीजे, तर टोटल धावसंख्या दाफलका वरती आहे त्या 56 धावा, पहिल्या ओव्हर मध्ये आल्या होत्या सनी घरच्या 24 आणि त्यानंतर अनिल पाटीलनं खूप चांगला कमबॅक जरूर मिळवून दिला होता, फक्त 8 धावा त्यांना खर्च केल्या होत्या, त्यानंतर छोटू वास्कर पुन्हा एकदा 24 धावा खर्च करतोय आणि एकंदरीत 3 षटकांची टोटल पाहिली तर आपण 56 धावा या दाफलकावरती लागले आहेत, खूप चांगली सुरुवात आहे, 4 षटकांची मॅच आहे आणि ज्या प्रकारे सुरुवात दमदार झाली होती, मात्र शेवट कोणत्या प्रकारचा असेल, 6 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि ज्या प्रकारे खेळपट्टी आणि मैदानाचा विचार करत धावसंख्या भरपूर बनते त्या मैदानावरती, त्याचा विचार करता आधी 6 बॉलवरती कितपत धावसंख्या म्हणून कितीचं टार्गेट हे सेट केलं जाईल हे देखील पाहण्यासारखं असेल, समेक 11 टीमच्या माध्यमातून समोर खेळतो समोर संघ तुम्ही पाहताय तो विशाल 11 55 हा संघ मैदानावरती, तर अंतिम गोलंदाजी मार्गावरती संदेश वास्कर तुम्ही पाहताय स्वतः आयोजक देखील आहेत आणि मात्र इथं कमबॅक महत्वाचा असेल आपल्या टीम साठी, तर पहिल्या दोन्ही संघांचा विचार केला तर एक एक सामना जिंकलेत आणि स्लोगर छडक तुम्ही पाहताय संदेश वास्कर, हा बॉल रिव्हर्सचा प्रयत्न अटेम्प्ट केला तर गरज होती का बंटी जोशीला, कारण की प्रवीणजी सरळ बॅटने धावा येतात आणि अशा मोमेंटला जर तुम्ही आणि पाहिले गेले तर 8 चेंडूनंतर 8 डॉट चेंडू येतोय, अतिशय चांगली स्कोरिंगची भूमिका, प्रत्येक चेंडूचा अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत प्रीतमजी भोपे, एक प्रोफेशनल स्कोरर का म्हटलं जात आहे हे आम्हाला प्रत्येक चेंडूवरती माहिती पुरवत आहेत, स्वीप केल्या चेंडूला मात्र बॅटचा प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये, बॅटचा धावकेंद्र प्रयत्न गाठत तोडू शकेल, मी म्हणेन थ्रो थोडासा उशीरा येतोय,
चेंडू हातामध्ये ठेवण्याची गरज नव्हती, क्षेत्ररक्षकाला डायरेक्ट थ्रो करणं गरजेचं होतं, मात्र वेट केल्या चेंडूचा आणि मात्र एक धाव या बॉलवरती जरूर येते आणि स्ट्राईक मात्र बंटी जोशीला मिळते, हे खराब संकेत द्या ते विशाल इलेव्हन 55-56 या टीमसाठी। सर्वांचं एक आपली विकेट सॅक्रिफाईस करतोय, टोटल धाव संख्या दाखवल करते ते 57 आणि सलमान शेखचे फलंदाजीचं विशेषण पाहिलं आपण तर एक षटकार आणि एक चौकाराच्या मदतीनं 5 चेंडूचा सामना केला त्यानं, 5 चेंडूचा सामना करत 11 धावसंख्येचं योगदान आपल्या टीमसाठी दिल्यात आणि सलमान बाद होत आहेत। नवीन फलंदाज मैदानावरती योगेश घरत जात आहेत, टोटल धावसंख्या आहेत त्या 57 आणि पार्टनरशिप मात्र ब्रेक केली जाते आहे, मात्र सांघिक यश मिळत आहे विशाल 11-55-56 या ग्रुपला आणि मैदानावरती धावा आहेत त्या 57। गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज तुम्ही पाहताय संदेश वासकर, हा चेंडू ऑन साइड ला पडका पासला फिल्डर जज करतात, यस सुरेख झेल त्या वेगाने चेंडू आला होता आणि त्याच वेगाने मात्र झेलला कन्वर्ट केलं क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगला, खूप चांगली फिल्डिंग होती आणि फलंदाज बंटी जोशी बिग विकेट आता मात्र मिळते, मात्र बंटी जोशीनं आपलं काम तमाम केलंय, ज्या प्रकारे बंटी जोशी सामीला गेला होता आणि बंटी जोशीनं जी भूमिका पार पाडायची होती, जी धावसंख्या उभारायची होती आपल्या टीमला, ती धावसंख्या मात्र उभारून दिली आहे कारण की तब्बल दाफलगावर धाव आहे ते 57 आणि बंटी जोशीनं तब्बल 4 षटकार टोकलेत आणि 10 चेंडूंचा सामना करत 28 धावसंख्येची इनिंग साकारली, एकदा जोरदार डाल्या बंटी जोशी साठी होऊन द्या, ज्याकडे पहिल्या मॅच मध्ये दमदार सुरुवात झाली होती त्यानं तोच फॉर्म या मॅच मध्ये देखील तुम्ही पाहताय, 10 चेंडूमध्ये बनवले 28 धाव त्यामध्ये 4 उत्तुंग षटकार तुम्ही पाहिलेत। आता मात्र नवीन फलंदाज अक्षय घरत, मामू यांचा हा फेवरेट फलंदाज आहे अक्षय माठिया ज्याला म्हटलं जात आहे, तर अक्षय घरासाठी सुवर्ण संध्या असेल, प्रत्येक षटकारासाठी अजय जोशी आणि अजय जोशी यांच्याकडून 200 आणि प्रीतम भोपी यांच्याकडनं 100 म्हणजे एक षटकारासाठी खूप चांगलं पारितोषिक असेल। अक्षय घरात उप माठे तुम्ही पाहताय, हा चेंडू सुरेख फटका चेडोंदी ग्राउंड चुनी पाहिजे कार्पेट सारे येतो, वाडीश लॉंग ऑफला फिल्डर आहे, दुसरीचा प्रयत्न घातक करू शकेल, थ्रो पैकी खूप चांगली होती कलेक्टिंग खराब आणि त्यानंतर मिळतील या चेंडूवरती 2 धावा, दुहेरी धावसंख्या टोटल धावसंख्या आहे त्या 59 धावा 59 लॉस ऑफ द 2 विकेट्स, खूप चांगली सुरुवात होती त्यानंतर चांगलं टार्गेट सेट केलं जाईल त्या सम्यक 11 टीमच्या माध्यमातून, 59 धावा दाफलकावरती लागल्यात। संदेश वासकर जहाजपूरचा चेंडू ऑफ साईडला चेंडू खरं अतिशय चांगला स्पॉट कधी पाहिजे माठ्या काम म्हटलं जाते, ओलख फटून देतो या फटक्यानं, जागा बनवली अक्षरशः स्ट्रोक साठी आणि चुनला पिडकावून दिला लॉंग लेग रिझा चौकार, एक बॉल बाकी आहे या पहिल्या इनिंग मधील या पूर्वार्धा मधील, एक चेंडू बाकी आहे आणि दाफलगावर दाबायच्या 63, खूप चांगला फटका लागवला स्ट्रोक साठी जागा बनवली होती अक्षरशः, ही बोललंय की अक्षय घरतची सातत्याने चौकार षटकार पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र अपयशी ठरला होता अक्षय घरत, मात्र ह्या मॅच मध्ये मामू काय शॉट लागवला या चेंडूवरती अतिशय जागा बनवली स्ट्रोक साठी आणि 4 धावा येतात 63 धावा आणि पहिल्या मॅच मध्ये देखील 19 धावा त्याने बनवल्या होत्या। आणि शेवटचा बॉल या पूर्वार्धा मधील, तर पूर्व या शेवटच्या बॉल वरती कितीचा आकडा असेल कितीचा टार्गेट हे सेट केलं जाईल हे पाहण्यासारखं असेल कारण की समोर तितक्या ताकदीचा फलंदाज अक्षय घरतने प्रेशर निर्माण केलं ते गोलंदाज संदेश वासकर वरती, कारण की एक चौका डोकलाय आणि शेवटच्या बॉल वरती कितीचा आकडा असेल कितीचा टार्गेट सेट केलं जाईल। कॉलर पदे चेंडू स्वतः फलोत्तर मध्ये आणि येथे मात्र थोडस पंबलिंग थोडं चुकी दाखवत क्षेत्ररक्षक, स्वतः गोलंदाज दुसरा प्रयत्न विशाल जोशी आणि येथे मात्र चांगली फिल्डिंग असताना फलंदाज मात्र परतावा लागेल अंतिम बॉलवरती, येथे फक्त सिंगल धाव आणि एकेरी धावसंख्येनं
पहिलं पूर्वार्ध पहिलं इनिंगच्या समाप्तीनंतर टोटल धावसंख्या बनवल्या त्या समय इलेवन टीमनं 64 धावा गडी गमवले टोटल 4 आणि टार्गेट आहे 65 धावसंख्येचं येणार 4 ओव्हरमध्ये, कारण की दुसऱ्या राऊंडमधील आपण सामने पाहतोय आणि त्यामुळे हे सामने 4 षटकांचे खेळवले जात आहेत। तर 64 धावसंख्या बनवल्यात 65 धावसंख्येचं टार्गेट सेट केलं आहे येणारे 24 बॉलमध्ये। तर या 65 धावसंख्या कोणत्या प्रकारे बनवलं जाईल, सेकंड इनिंग मध्ये कोणत्या प्रकारची बॅटिंग असेल, तर टॉस साठी यायचंय पा नाना कोहली, त्यानंतर जिशान दोन्ही कॅप्टन लगेचच यायचं, संदीप स्पोर्ट्स 16-16, त्यानंतर उमेर 11 या टॉस साठी, रणजित घर त्यानंतर संघ नाना कोहली लगेच टॉस साठी पाठवायचा, आपल्याला वेळ कमी आहे। नाना कोहली टॉस साठी एक वाजता जिशान आपण देखील यायचं टॉस साठी। तर या धावसंख्या कोणत्या प्रकारे बनवले जाईल सेकंड इनिंगमध्ये, ज्या प्रकारे बंटी जोशीने बॅटिंग केली त्या प्रकारची बॅटिंग, त्या प्रकारची फटकेबाजी होईल का, तर ऐकूया पहिल्या दोन ओव्हरसाठी। ते म्हणजे शेरो शहरीमध्ये आपण ऐकू दे म्हणजे अशरफ पटेल एक अतिशय चांगला आवाज तुम्ही ऐकाल। थँक यू अतुल, मी जिशान शेख आणि नाना कोहली यांना विनंती करतो आपण स्टेजवर या, स्टेजवर टॉस केला जाईल। पुढील अजून एक शेवटची मॅच असेल आजची दिवसातील 6वी मॅच, नाना कोहली आणि जिशान शेख या टीममध्ये फाईट होणार, दोन्ही कॅप्टन स्टेजवर या, टॉस केला जाईल पाहुण्यांचे शुभ असते। 4 ओव्हरची मॅच असणार, तो यकीनन यहाँ पीपीएल के लिए शुभकामनाएं आ रही है हमारे अमिताभ बच्चन जी की। तो अमिताभ बच्चन जी है फोन पे, यहाँ पे लाइन पे है, देखिए। हेलो दो सज्जनों, देखिए पीपीएल के लिए खार करके सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। क्या समझे भाई, अशरफ जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने जो है माइक्रोफोन पर फोन लगा कर दिया, भाई मैं उनको आवाज सुना रहा हूँ। और भैया ये बहुत जबरदस्त खार घर में मैच चलता हुआ, मैं अमिताभ बच्चन, देखो भाई आने की तो बहुत कोशिश हुई लेकिन क्या करूं, किसी कारण नहीं आ पाया, ले तो मैं जरूर आता, लेकिन भाई मैं पीपीएल को देखने के लिए जरूर आऊंगा खार घर में, आप लोग जरूर अच्छा खेलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, क्या समझे, क्रिकेट खेलते रहिए। थैंक यू सर, अमिताभ बच्चन की शुभकामनाएं हमारे पास पहुंच चुकी है फोन के जरिए। अमिताभ बच्चन साहब आने वाले थे लेकिन ट्रैफिक जाम है इसलिए आ नहीं सके। क्या बात है अशरफ जी पटेल, पहचान बहुत बड़ी है आपकी, आप तो करोड़पति में जाना चाहते हैं, आप इधर कहाँ आए। तो चलिए टॉस साठी नाना कोहली वरती अपन स्टेज वर या, पाहुणे वरती स्टेज वर आहेत। जिशान कॅप्टन ऑफ द टीम, उमेर 11 विनिंग टीम आहे, दोन्ही संघांनी सामना जिंकलाय, संदीप स्मृती त्यानंतर संदीप स्पोर्ट्स त्यानंतर उमेर 11 कॅप्टन या लवकर टॉस साठी। सामना 4 षटकांचा असेल, गोटूचं नाव काय, चला जिशान शेख सामना सुरू होण्याच्या अगोदर या लवकर टॉस साठी, लाईव्ह मॅच चालू आहे, नाना कोहली आलेत, जिशान कॅप्टन पाठवायचा, आपण उपस्थित नसाल तर एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा टॉस साठी। मॅच कडे जाऊया, 65 धावांचा टार्गेट, मायक्रोफोन वरती या पुढील आवाज एक शेरो शरण अंदाज, आज त्याने खूप आपल्याला हसवलं असे आमचे समालोचक अशरफ पटेल सर। बंटी आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं गेंदबाजी के लिए, यहाँ आईपीएल धमाके में अपनी आवाज सुनी अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने शुभकामनाएं दी है पीपीएल धमाके को। तो चलते हैं दोस्तों ग्राउंड की तरफ, गेंदबाज है बंटी और सामने बल्लेबाज है, देख सकते हैं गोटू शेख टप्पे खाने के बाद उछाल ज्यादा लिए और अंपायर का इशारा व्हाइट विवेक जोशी, और दूसरे अंपायर देख सकते हैं हमारे सुहेल शेख, देख सकते हैं दूसरे अंपायर तो विवेक जोशी और सुहेल शेख की जोड़ी अंपायरिंग में, और हमारे देख सकते हैं स्कोरर पीतम मात्रे नहीं बल्कि भोपी, तो उठा के खेला देखना हवा में गेंद, फील्डर कैच के नीचे कैच पोस्ट से बाहर और एक रन दौड़ के पूरा किया, हालांकि वन टप्पा उठाया था उठाए फेंके, जब तक दो रन मुकम्मल यहाँ की है बल्लेबाज ने, बल्लेबाज देख सकते हैं हमारे
दो गुटू शेख और दूसरे बल्लेबाज देख सकते हैं स्टैक पे हैं। छोटू वास्कर, गुटू छोटू की जोड़ी, वाह क्या जोड़ी है, गुटू छोटू, गुटू छोटू, ओ बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल लिया और सीधा विकेट कीपर के रास्ते में, दूसरा काम पूरा किया विकेट कीपर ने। छोटू छोटू एक नन गोटू और छोटू, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी दर्शक आ चुके हैं और परवीन टेमे एक नन मैं आपको कहना चाहूंगा। तो छोटू छोटिया है, एक नन डिगोरे के छोटिया है, गोटिया छोटिया, तो उठा के खेला है हवा में गेंद, खुद कैच के नीचे और जबरदस्त कैच पकड़ी और ये नहले पे दहला और विकेट मिला पहला, तो ये विकेट मिला है गोटू छोटू बाकी है। तो मैं यही कहना चाहता था सुबह में, क्या हमारे पंचायत थी वावा पंचायत जिसमें 5-6 गांव थे, तो काफ़ी भाईचारा देखने मिलता है और अभी इन महानगर पालिका हुई तो यकीनन भाईचारे के लिए एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगा मैं। तो प्यार के दिए जलाने में आया हूँ, प्यार के दिए जलाने में आया हूँ, नफरत की दीवार गिराने में आया हूँ, हिंदू मुसलमान एक ही चमन के फूल है बताने में आया हूँ, क्योंकि देखा जाए तो काफी कारगर में हमारा भाईचारा यहाँ पे रहता है। तो देख सकते हैं यकीन हो गया है और ये अच्छी गेंद, नॉट गेंद की समाप्ति, यहाँ पे देख सकते हैं 65 रनों का टारगेट है और अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे बंटी जोशी के माध्यम से। तो देख सकते हैं दूसरे बल्लेबाज आए हैं उनकी जगह संभालने के लिए, जो मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था उनको, नमित पगड़े। तो छोटू देखना है, छोटू क्या कर दिखाते हैं, और ये उठा के खेला है, देखना है सीमा रेखा पार, 7 धावन साठी अंपायर का इशारा यकीनन। एक गेंद बाकी है अभी तक, टोटल स्कोर कार्ड पे स्कोर हुआ यहाँ पे देख सकते हैं 9 रन, 65 रनों का टारगेट है, एक हार्ड स्कोर है, ऊंचा स्कोर है 65, मतलब यानी के देखा जाए तो 16.25 के सरासरी से चलना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गेंदबाज, यहाँ हार्ट गेंदबाज है, जादूगर गेंदबाज है, उनके उंगली में जादू है। तो देख सकते हैं बंटी जोशी और बल्लेबाजी के लिए देख सकते हैं हमारे बल्लेबाज, जो मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था, दो नमित पगड़े आए हैं, नॉन स्टैक पे है और छोटू बेहतरीन शॉट, देखना वहां पे फील्डर तैनात है, लेकिन एक रन, दूसरा रन लेने की कोशिश और 2 रन यहां मुकम्मल, इस 2 रन से बढ़ता स्कोर देख सकते हैं 11 रन। तो यकीनन यहाँ पे 11 रन एक ओवर की समाप्ति पे एक विकेट के नुकसान पे हो चुके हैं, अब 18 गेंदों में रनों की जरूरत है, 54 रनों की जरूरत है। तो यहाँ देखा जाए तो प्रीतम भोपी एक दूसरा शेर जरूर कहना चाहूँगा भाईचारा के ऊपर। तो यकीनन यहाँ पे तिनका हो चट्टान बना दे या अल्लाह, तिनका हो चट्टान बना दे या अल्लाह, निर्धन हो धनवान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाना खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। तो यकीनन यहाँ भाईचारे की मिसाल है पेट गांव। तो चलते हैं दोस्तों ग्राउंड की तरफ, अभी एक ओवर की समाप्ति एक विकेट के नुकसान पे यहाँ रन हो चुके हैं 11, अभी 18 गेंदों में रनों की जरूरत है जरूर बताएंगे, 54 रनों की जरूरत है धुआंधारी बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी पड़ेगी, खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा, चौके चौके मारने पड़ेंगे क्योंकि हार्ट स्कोर है ऊंचा स्कोर है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कुंडी ना खटखटाना सन्नाटा है जमाना, कुंडी ना खटखटाना सन्नाटा है जमाना, दम है तो चौके छक्के लगाना और आपने टीम को मैच जिताना, क्या बल्लेबाज में दम है, इससे पहले मैच में उन्होंने दम बताया था बल्लेबाज, देख सकते हमारे नमित पगड़े जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था, 39 रनों की शायद पारी खेली थी, लेकिन देखना है अब ये शानदार पारी खेल सकते क्या, गेंदबाज है यहाँ पे देख सकते, अब आया है गेंदबाज, दूसरे गेंदबाज आए हैं यहाँ पे आदित्य घरत आए हैं, देखना है आदित्य घरत को या खेल सकते हैं नमित,
नमित देख सकते हैं क्या कर दिखाते हैं, 18 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है, एक पहली ओवर में 11 रन अच्छे निकाले मेरे ख्याल से, अच्छा गेंदबाज था बंटी जोशी। ओहो आहो कितना लंबा 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 छक्का। नहीं लेकिन ये तो गाना नहीं कहूंगा, लेकिन एक गाना निकला था जो बोलूंगा, पाजे तोरे दिर क्या दे इन तुलारे यो सामना जी कौन दाख रो नमित मनार। तो यकीन अगर नमित ये सामना जीता के देते हैं तो यकीन अच्छी है बल्लेबाजी। तो यहाँ देख सकते हैं बोल बोल दो ओवर के बाद नया बोल नहीं बल्कि जूना दिया जाएगा, लेकिन दो ओवर हुई नहीं अभी तक तो नया गेंद देना है। तो देखना है यहाँ पे अब इस छक्के की मदद से स्कोर कार्ड पे स्कोर हुआ है 17, किसको होगा खतरा, 17 गेंद में रनों की जरूरत है 48, हमारे प्रीतम भोपी लाजवाब स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि मेरे को हमेशा नाम याद रहता है प्रीतम मात्रे विरोध व्यक्ति नेता, तो यकीनन हमेशा प्रीतम का नाम आता है। तो यकीनन देख सकते हैं यहाँ पे छक्का ठोका है बल्लेबाज नमित पकड़े हैं, देखना है नमित क्या कर दिखाते हैं, नमित में क्षमता है ऊंचे शॉट खेलने की, मैच का रुख पलटी करने की, यहाँ पे समीकरण बदली करने की नमित में जो क्षमता है, देखना अच्छे बल्लेबाज है। और यहाँ पे गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं, देख सकते हैं गेंदबाज आदित्य खरात। ओहो बेहतरीन गेंद नहीं कहूंगा क्योंकि अंपायर का इशारा वाइट, और ये वाइट के मदद से टोटल स्कोर कार्ड पे स्कोर हुआ, यहाँ पे रन हो चुके हैं नमित, देखना है नमित एक अच्छे बल्लेबाज है यहाँ पे। ओहो बेहतरीन शॉट सीमा रेखा पर 4 धावन 60, तो चेक करना है 9 दिया है क्या थर्म प्यार। तो यहाँ पे अभी तक दोनों अंपायर तो नो है या नहीं चेक करेंगे, चौका जरूर है, चौकों को चौके को कौन नहीं रो सकता है। तो नो गेन है, फ्री हिट भी मिलेंगी, पंजा मिलेगा ये, तो थर अंपायर अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा, थर अंपायर ने दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल स्कोर कार्ड पे स्कोर हुआ यहाँ पे 23 रन। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंपायर की भूमिका में हमारे सुहेल शेख गेंदबाज है, यहाँ पे देखो आदित्य घरात और ये बेहतरीन शॉट हुआ, फील्डर तैनात और ये इंडिया गेट में से गेंद गई फरार चौकार। ओ बेहतरीन गेंद डॉट गेंद की समाप्ति, काफी देर बाद टोटल रुका हुआ स्कोर यहाँ 27 रन हो चुके हैं, 65 रनों का टारगेट है। तो यकीनन बताएंगे हम आपको कितने गेंदों में कितने रन चाहिए, तो 15 गेंद और 38 रनों की जरूरत है। यहाँ गेंदबाज है आदित्य और बल्लेबाज है यहाँ पे नमित पगड़े, तो नमित पगड़े जो कि एक छक्के और 2 चौके के साथ खेल रहे हैं, यानी 14 रनों पे खेल रहे हैं नमित। ओहो उठाने का प्रयास, ये देखिए किस्मत का चौका, अप्पा टप्पा
चौका और वाइट वन प्लस फोर मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल स्कोर कार्ड पे किस्मत का चौका जरूर मिला है, तो 32 रन हो चुके हैं अभी तक, जरूरत है जरूर बताएंगे हम आपको। 15 गेंद 33 रनों की जरूरत है, 15 गेंद 33 रन। नमित अगर हाँ यकीनन यहाँ पे पेट के आर्मी सीमा का ताबा ले, पेट के आर्मी सीमा का ताबा ले, गेंद काफी घूम रहा है और गेंद का काफी स्टॉक कम है। तो टोटल स्कोर कार्ड पे स्कोर हुआ यहाँ पे 32-33 रनों की जरूरत है। तीन गेंदों में 21 रन खर्च किया है इस गेंदबाज ने आदित्य ने, देखना आदित्य घरत काफी महंगे साबित होते हुए बल्लेबाज अमित। और ये देखिए उठा के खेला है, क्या जा सकती है पैच के नीचे, पंटी कोई गलती नहीं और ये विकेट बड़ा पिक 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 विकेट यहाँ पे मिल चुका है, तो बड़ा विकेट का पतंग हो चुका है यहाँ पे नमित पकड़े का, जो कि जिन्होंने कितने रनों का योगदान दिया है जरूर बताएंगे। 5 गेंदे 14 रनों का योगदान दिया है यहाँ पे। टोटल स्कोर कार्ड पे स्कोर हुआ है कैलाश दादा मात्रे, वहा आना है मंच पे कैलाश दादा मात्रे मैन फ्रॉम ओए, तो अपने मंच पे हमारे मंच पे आना है, हमारे मंच की शोभा बढ़ाना है, मंच को 4 चांद लगाना है। तो देख सकते हैं अभी टोटल स्कोर हुआ है, बत्तीस रन हो चुके हैं और विजय पाटिल मैन फ्रॉम करोले आना है हमारे मंच पे, विजय पाटिल करोले गुरु दादा मात्रे मैन फ्रॉम ओवे आना है गुरु दादा मात्रे हमारे मंच पे। तो देखना है अभी रन हो चुके हैं यहाँ पे 32 रन हो चुके हैं, 33 रनों की जरूरत है यहाँ, 14 गेंद 33 रनों की जरूरत है। देखना है बल्लेबाजी वाला जो हार्ट हिटर बल्लेबाज था पवेलियन में वापस जा चुका है, उनकी जगह संभालने आए खुद कप्तान विशाल जोशी, तो बल्लेबाज है छोटू छोटिया, देखना छोटिया क्या कर दिखाते है, सलामी के बल्लेबाज है गेंदबाज आदित्य भाईतरी शॉट वहा फील्डर नायनाथ फील्डर बन गए दर्शक और ये आर पार सीमा पार टांगा पलटी घोरा फरार चौका, इस चौके के मदद से टोटल स्कोर 5 आना है मंच पे आए हुए हमारे मान्यवर, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई है आपने और हमारे मंच को 4 चांद लगाए कैलाश दादा मात्रे गुरु मात्रे। तो यकीनन यहाँ पे देख सकते हैं और रिवर्स शॉट, दो धारी तलवार होती है, लगे तो आबाद न तो बर्बाद, डॉट गेंद की समाप्ति। टोटल स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं 36 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है, 12 गेंदों में 29 रन बना सकते हैं बल्लेबाज विशाल स्पोर्ट 11 या रोकने में कामयाब हो सकती है, यानी कि गेंदबाजी वाली अभी टीम है सम्यक 11। ये जानने के लिए हम जरूर और जरूर जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर परवीन टेमे के पास। चलिए थैंक यू सो मच अशरफ पटेल, हमारे वीआईपी डाइस पे वीआईपी मेहमान I-11 ओवे टीम के स्पॉन्सर पैकर, जिनकी टीम रायगढ़ प्रीमियर लीग में जरूर खेलेगी, एक बड़े आयोजक दिलदार इंसान कैलाश दादा मात्रे और उनके साथ सम्मान्य गुरु मात्रे, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका हार्दिक स्वागत है। सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करूंगा इस वीआईपी डाइस पर, वीआईपी मेहमान आ चुके हैं उनका हार्दिक स्वागत पेट प्रीमियर लीग में। इस दौर के बाद मेहमानों का सम्मान किया जाएगा, तो मेहमान से निवेदन है कि आप सभी को रुकना है और मुकाबले का लुत्फ उठाना है। इस मुकाबले में 24 गेंद में 65 का टारगेट था, लेकिन 12 गेंदों में स्कोर है इस वक्त 36, अब बनाने हैं 12 गेंद पे 29 रन। मजा रहे मुकाबले में, दोनों टीम ने पहला मुकाबला वन साइड जीता, दोनों टीम ने एक तरफा मुकाबला जीता, अब दोनों टीम अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। इस प्रतियोगिता में अगर कोई टीम दो मुकाबले जीतती है तो सेमीफाइनल के करीब पहुंच सकती है, अच्छा मौका है दोनों टीम को यह बड़ी जीत हासिल करके
कल के मुकाबले में अच्छी जगह बनाने के लिए। 12-29 है कप्तान है स्ट्राइक एंड पर, जिनके नाम से टीम है विशाल इलेवन, 55-56 के कप्तान खुद विशाल जोशी। यस, बल्ले का साउंड, इनसाइड एज लगी, विशाल को लौटना होगा, कप्तानी पारी नहीं खेल पाए। आप देखिए मुकाबले में 11 गेंद 29 की आवश्यकता। इस मैच में भी जीरो पे आउट हुए। पिछले मैच में इनकी कैच प्रीतम भोपी ने पकड़ी थी पहले मुकाबले में सुबह 11 बजे, और इनका फिर से एक बार विकेट गिरा शाम के करीब 4:30 बजे। दो बार ये खिलाड़ी जीरो पे आउट हुए, कप्तानी पारी नहीं खेल पाए। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कभी जीरो तो कभी हीरो, ये क्रिकेट का खेल है। लेकिन मुकाबला समाप्त नहीं हुआ, मुकाबले में 11 गेंद 29 का सफर है। नमित आउट हुए हैं, नमित से पहले गोटू छोटू दोनों मैदान से बाहर गए, अब विशाल भी गए, 4 विकेट खोए। छोटू मैदान के अंदर है लेकिन सनी करत भी मैदान छोड़ के चले गए, यानी छोटू पे सबकी निगाह होगी। छोटू ने 5 गेंद पर 12 रनों की पारी खेली है, इनके अंदर क्षमता है और इनके अंदर ताकत है। सनी घरत 5वें नंबर पे स्ट्राइक गेंद पर है, और नॉन स्ट्राइक गेंद पर छोटू। अब 11 गेंदे 29 की आवश्यकता। जीतने वाली टीमों के बीच में ये बड़े फाइट और बड़ा मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाजी करेंगे इस वक्त सलमान शेख, ये भी कैच आउट, स्लो बॉल डिलीवरी, स्विंग करके डिलीवर किया था लेकिन अंपायर की उंगली आसमान में उठी और बल्ला पहले घूमने के कारण बैट्समैन सनी घरत के पारिकांत। ब्लू वर्सेस रेड, बिग फाइट, रेड खतरनाक है क्या रईस खतरनाक साबित होंगे। ऑफ स्टंप के बाहर विवेक जोशी का इशारा वाइट बॉल का आता हुआ। आज विवेक जोशी ने कई मुकाबले में अंपायरिंग की भूमिका की है, कई सारे खिलाड़ियों ने हमें मौका साथ दिया इस प्रतियोगिता में, उनका भी हम हार्दिक आभार करेंगे। इसी बीच उत्तर शिव के सम्मानीय चेतन पाटिल अभी मैं वीआईपी डाइस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। PPL पेड प्रीमियर लीग प्रोफेशनल टूर्नामेंट, बड़ी प्रतियोगिता, चर्चा का विषय यूट्यूब पर, खूबसूरत टूर्नामेंट्स। ये गेंद बहुत पीछे फेंकी थी, अंपायर का इशारा वाइट बॉल, वाइट बॉल के साथ अंपायर ने वन बाउंस की वार्निंग भी दी है, अगर दूसरा बाउंस फेंकते तो फिर से एक बार अंपायर उसे वाइट या फिर नो बॉल घोषित कर सकते हैं। स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर कार्ड पर करीब है 38 रन्स। बेहतरीन मुकाबला, बेहतरीन मैच, गेंदबाज सलमान शेख को लगातार 2 विकेट मिले। अब ये गेंदबाज है ऑन हैट्रिक पे, क्या अपनी विकेट हैट्रिक कंप्लीट करेंगे सलमान, रईस शेख उनके सामने, विकेट हैट्रिक बन सकती है, पहली विकेट हैट्रिक क्या मिलेगी सलमान को, कैच कौन पकड़ेगा, डिस्कशन हुआ ही नहीं कौन कैच पकड़ेगा। प्रणय, प्रणय की नजर सलमान पे थी, सलमान की नजर प्रणय पे थी, लेकिन कैच ड्रॉप हो गई, किसी ने कोशिश नहीं की, फायदा मिला 2 रनों का और 2 1 रनों का, और इसी 1 के साथ टोटल है 39
अब 9 गेंदे 26 की आवश्यकता। सलमान खुश होंगे क्योंकि बड़े शॉट नहीं आ रहे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट गेंदबाजी है, क्योंकि बड़े शॉट नहीं आते तो गेंदबाज अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े शॉट आते हैं तब गेंदबाज थोड़े से नाराज होकर मायूस होते हैं। चलिए इस वक्त मुकाबला गेंदबाजों के पक्ष में भी है, बल्लेबाजों के पक्ष में है, सभी के निगाहें इस वक्त छोटू वास्कर के बल्ले पर। छोटू वास्कर तैयार, ब्रिगेड वाला शॉट गैप में खेला है, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे, गेंद उनके पहुंच से बाहर, डीप मिडिल विकेट क्षेत्र में, सीमा पार, 6 रन। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे, टीम का टोटल है 45, अब बचे 8 गेंद 20 रनों की आवश्यकता, 9 गेंद 26 की जरूरत थी, छक्का लगा, 8 गेंद 20 रनों की जरूरत है। छोटू वास्कर गोटू के आउट होने के बाद छोटू ने धमाल कर दिया मैच में, प्रेशर है गेंदबाज पे, सलमान शेख देखिए थोड़े दबाव में गेंदबाजी कर रहे, व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा, एक रन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 8 गेंद 19 की जरूरत, क्या मुकाबला बन चुका है, पिछले 2 मुकाबले पैसा वसूल हुए, अंतिम गेंद तक खेले गए और ये भी मुकाबला मेरे ख्याल से पैसा वसूल जरूर देखने मिलेगा। यॉर्कर लाइन गेंद, विक्टोपर गेंद, बेल्स अपने जगह पर है, सेफ टू द जोन, एक गेंद पर नंबर नहीं मिलेंगे, सलमान शेख इस वक्त राहत की सांस ले रहे हैं, इस गेंद पर नंबर नहीं मिले, डॉट गेंद फेंकी, अब बची 7 गेंद 19 की आवश्यकता। बंटी जोशी अपने गेंदबाज को बार बार यहाँ पर कान मंत्र दे रहे, टिप्स दे रहे कि गेंदबाजी किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन अगर इस गेंद पे बड़ा शॉट आता है तो 6 गेंद 13 बचेंगे, लेकिन फिलहाल 7 गेंद 19 की आवश्यकता। सलमान के सामने छोटू, क्या छोटू बड़ा शॉट आएगा उनके बल्ले से, यस ब्रिगेड, आप देखिए 6 गेंद 13 की जरूरत, अंतिम ओवर बची है, 13 रन की आवश्यकता, जबरदस्त मुकाबला, 52 रन स्कोर कार्ड पर, 6 गेंद 13 कंपल्सरी चेसिंग, तीसरा मुकाबला भी पैसा वसूल देखने मिलेगा, अभी पिछला मुकाबले 2 अंतिम गेंद तक फाइट किए गए, अंतिम गेंद तक एंटरटेनमेंट से भरे हुए रहे, सभी को मजा आया। कारण की मागच्या इनिंग मध्ये देखील टॉस साठी 6 वेळा कॉल केलं होतं, प्लीज टॉस साठी या, लास्ट मॅच जिशान शेख वर्सेस नाना कोहली, मी आई 11 ओवर संघाचे सर्वे सर्व कैलास दादा आपल्याला विनंती करतो, आपण टॉस करा, एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी, दमदार नेतृत्व, युवा तडपदार नेतृत्व, कैलास दादा च्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल, पाणी घेऊन जा मैदानात, अंपायर्स कॉल करतायत, प्लीज हेड अँड टेल्स टॉस करतात कैलास दादा, मात्रे एका मोठ्या रजनी स्पर्धेचे आयोजक आहेत, क्रिकेटची आवड, त्यांचा संघ तुम्ही रायगड प्रीमियर लीग मध्ये देखील पाहाल। नाना कोहली टॉस जिंकलाय, शुभेच्छा, 4 षटकांचा सामना, नेक्स्ट मॅच पाणी घेऊन जायचंय, पुन्हा एकदा खेळाडू कॉल करतायत, रेड टी शर्ट विशाल जोशी,
तुम्ही लिंबू सरबत घेऊन जाऊ शकता का? हरकत नाहीये, तुमच्या खेळाडूला एनर्जीची गरज आहे मॅच मध्ये. प्रणय गरत अंतिम गेंदबाजी करेंगे. 6 गेंद 13 कंपल्सरी चेसिंग. बंटी जोशी ने प्रणय पे भरोसा रखा है. देखना है कि प्रणय गरत अपने इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे और बखूबी निभाएंगे. चलिए अंपायर से बात कीजिए. चलिए अंपायर, नियम के तहत आपको खेलना है, नो प्रॉब्लम. गेंदबाज प्रणय नहीं है, दूसरे गेंदबाज है. चलिए विशाल बेटिया, 6 गेंद 13 की जरूरत है. कंपल्सरी चेसिंग मैच शुरू किया जाएगा. सोहेल शेख मेन अंपायर, विवेक जोशी नॉन स्ट्राइक एंड अंपायर. सही डिसीजन दोनों के हर मैच में रहे. 3 बार थर्ड अंपायर रिव्यू लिया गया नो बॉल के लिए और 3 बार नो बॉल इस प्रतियोगिता में दिया गया. हाइट फैक्टर और ये कारनामा जीटीसी के कैमरे ने कैप्चर किया. जीटीसी ने तीनों डिसीजन बिल्कुल सही दिए जो नो बॉल के थे. हर चित्र को फिल्माया जीटीसी ने, हर दृश्य को फिल्माया और सही निर्णय इस प्रतियोगिता में जरूर दिया. अब 6 गेंद 13 रनों की आवश्यकता. प्रणय नहीं इस वक्त, उनके छोटे भाई विनय बॉलिंग करेंगे. उनके परिवार के सदस्य टीम को जिताने के लिए 6 गेंद 13 बचाएंगे और सामने है उनके बैट्समैन रईस शेख. रईस शेख, इनके पास भी ताकत है, नजाकत है, अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैच विन हो सकती है. लेकिन छोटू वास्कर बहुत फॉर्म में. छोटू वास्कर ने 3 छक्के मारे, 1 चौका, 8 गेंद पे 24. वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है. अगर वो स्ट्राइक पे आते हैं तो बात बनेगी विशाल 11 के लिए. रईस, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या स्ट्राइक देंगे या बड़ा शॉट मारेंगे. ओहो, आउट. छोटू वास्कर आउट. मैच का टर्निंग पॉइंट, 8 गेंद पे 24 मारे थे छोटू ने. प्रीतम, ये क्या हुआ? व्हाट अ मैच. डगआउट में पूरा जल्लोश. छोटू वास्कर आउट है. विशाल जोशी खुद बोल रहे आउट है. आपके जो कप्तान है उनको देखिए, आपके कप्तान बोल रहे कि आप आउट है. क्या मैच है ये, जबरदस्त क्रिकेट. व्हाट अ मैच. ऐसे महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए थे 2019 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में और पूरा भारत रोया था क्योंकि अकेले धोनी थे जो हमें 19 का वर्ल्ड कप जिताने वाले थे. 1 इंच का फासला था मेरे ख्याल से और यहाँ पर भी 1 इंच का फासला रहा विशाल 11 टीम के लिए. 1 इंच और उसके बाद डगआउट में इतना शोर मचा कि विशाल जोशी बोले कि आउट है हमारा खिलाड़ी. व्हाट अ मैच. मैंने यही कहा था कि रईस शेख छक्का मारेंगे या स्ट्राइक देंगे. वो स्ट्राइक देना चाहते थे लेकिन उन्होंने स्ट्राइक भी ली और छोटू को बाहर किया. अब आएगा मैच में मजा. 5 गेंद 13 की आवश्यकता. ये खुन्नस क्रिकेट बन चुका है. अभी दोनों टीम फॉर्म में, दोनों टीम एक दूसरे को टारगेट करेगी, दोनों टीम संघर्ष करेगी, दोनों टीम फाइट करेगी, दोनों टीम कांटे की टक्कर देगी. अब 5 गेंद 13 की आवश्यकता है. नया बैट्समैन आ चुका है इस वक्त, अनिल पाटिल. नए बैट्समैन सेट होंगे या डिफेंस शॉट खेलेंगे. 5 गेंद 13 लेग बिफोर विकेट्स. अपील नहीं की है इस वक्त, अंपायर का सिग्नल आएगा. ये रन, 1 रन कंप्लीट. अब 4 गेंद 12 रनों की आवश्यकता है. छोटू वास्कर ने 8 गेंद पे 24 बनाए और उनका विकेट अजीबोगरीब तरीके से मैदान से बाहर आया, जो बड़ी उम्मीद थी विशाल 11 के लिए. लेकिन अभी तक मैच फिनिश नहीं हुआ क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. 2 बड़े शॉट मुकाबला समाप्त कर सकता है. 4 गेंद 12 पहला आ चुका है शायद, बिल्कुल नहीं, गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबे कम, फील्डर है नीचे, सलमान शेख ने कैच छोड़ा. दोनों तरफ से गुस्सा, फील्डर देखिए परेशान है. बहुत जबरदस्त मैच,
दो रन कंप्लीट। यही तो ग्रामीण क्रिकेट है, अच्छा खेलो तो ताली, बुरा खेलो तो गाली। अब समीकरण, तीन गेंद, दस रनों की आवश्यकता। प्रीतम, कहा जाता है कि चेहरे किसी क्रीम पाउडर से नहीं चमकते, चेहरे चमकते हैं आपकी काबिलियत से, आपकी मेहनत से, आपके संघर्ष से। अगर छोटा आउट हुआ, उसके आउट होने के बाद भी रईस के अंदर क्षमता है अपनी गलती सुधारने का। ये गेंद सीधा पाव पर फेंकी थी, जबरदस्त गेंदबाजी। प्रणय को गेंदबाजी नहीं दी, लेकिन विनय ने भी इस वक्त मैच में मजा लाया है। तीन गेंद दस की जरूरत थी, अब दो गेंद नौ रनों की आवश्यकता। ये गेंद इंपॉर्टेंट होगी, इस गेंद पर अगर तीन रन नहीं आए तो मुकाबले में विशाल इलेवन टीम को पीछे हटना पड़ेगा। इस गेंद पर बड़ा शॉट होना चाहिए, दो गेंद नौ की आवश्यकता। इंपॉर्टेंट गेंद इस मैच का नतीजा साबित करेगी। और ये देखिए कौन थे फील्डर वहां पर, और ये क्या हुआ, ओहो चार रन, एक और ट्विस्ट मैच में। मजा आ रहा है, कभी बाजी इधर कभी बाजी इधर, इसे कहते किस्मत। पिछले दो मुकाबले किस्मत के भरोसे जीते थे, ये भी मुकाबला किस्मत के भरोसे। चले रिप्ले देखते हैं जीटीसी के द्वारा। ये देखिए रिप्ले, फील्डर थे वहां पर पप्पू तेलव ने, इन्होंने पूरा मैच का पप्पू पास नहीं, पप्पू फेल हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़े फेल हो गए। अब दो गेंद नौ की जरूरत थी, लेकिन एक गेंद पांच की जरूरत है। कंपल्सरी चेसिंग, छक्का लगना चाहिए, पांच रन दौड़ के मुश्किल है। यानी अंतिम विनिंग शॉट जो एमएस धोनी ने 11 के वर्ल्ड कप में लगाया था और मुकाबला जीता था भारतीय टीम ने, वो विनिंग शॉट लगाना होगा। चले पिछले मुकाबले में भी एक गेंद पे तीन की जरूरत थी, इस मुकाबले में एक गेंद पांच रनों की जरूरत। कौन जीतेगा मैच, बंटी जोशी या विशाल जोशी? लेकिन जो भी जीतेगी मैदान के अंदर तांडव करेगी, क्योंकि पेट गांव है। हमेशा जीतने वाली टीम मैदान में जाकर अपने आप को साबित करे। जोरदार तालियां, एक गेंद पांच। व्हाट अ मैच, कैलाश दादा भी खुश हो गए, क्या बात है, जबरदस्त मैच, व्हाट अ शॉट। चलिए उनको उठा के लाइए, कंधों पे उठाइए, वो मैन ऑफ द मैच है।